लेकिन नाम भक्त का करते हैं। श्री प्रभु ने कहा कि करने वाला तो सदकारी में ही होता हूँ, लेकिन नाम मेरे भक्त का होना चाहिए, भगवान का प्रण है। तो जब सदकारी करते हैं तो प्रभु करते हैं, और जब हो जाता है लोग तारीफ के फूल बांधते हैं तो समय भगवान अदृश्य हो जाते हैं। तो श्री नारद जी के हृदय में भगवान का निवास है, और जैसे ही श्री भगवान ने नारद जी को विजय दिला दी और कामदेव हार मान करके हार पहनाने आया, तो श्री भगवान नारद जी के हृदय से अदृश्य हो गए। और जैसे सावधानी हटी, यही पर दुर्घटना घटती है। भगवान यही परीक्षण करते हैं, तो रोज तोते की तरह रटता रहता है कि आपने किया है, आप करते हो तो क्या तू सही में मानता भी है कि केवल लोगों को सुनाता है कि भगवान ने किया है। तो परीक्षा इसी समय लेते भगवान की, सफलता भी प्रभु दिला देते हैं, और जब प्रभु प्रशंसा संसार के लोग करते हैं तो भगवान थोड़े पीछे हट जाते हैं। नारद जी के हृदय से भगवान अदृश्य हुए, नारद जी का ध्यान टूटा और तुरंत सामने देखा तो कामदेव लंबा साष्टांग प्रणाम करे हुए पड़ा है। कामदेव से नारद जी ने पूछा कि भैया, नारद जी ने कामदेव से पूछा कि तुम कैसे आए हो, कब से आए हो? तो कामदेव ने कहा कि प्रभु मैं तो बहुत देर से आया हूँ, आपने मुझ पर विजय पाली है और आपने मुझे जलाया भी नहीं है, आप तो सबसे आगे निकल गए हो। तो प्रशंसा के आगे श्री नारद जी हार जाते हैं, हार पहनाया इसलिए हार हो गई है। तीन चीज से हारे हैं, प्रशंसा, हार पहनाया उससे और प्रणाम किया उससे। तीन चीज से जीवन में सावधानी रखने की सबसे बड़ी आवश्यकता है। नारद जी तीनों चीज से हार गए हैं। कामदेव ने सबसे पहले हार गया इसलिए हार पहना दिया, प्रणाम कर लिया, और तीसरे नंबर पे कामदेव ने प्रशंसा कर दी। तो प्रशंसा में ऐसे भाव विभोर हुए कि नारद जी के मन में अहंकार का बीज उत्पन्न हो गया। कामदेव ने बात करते ही करते 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 कह दिया कि आपने तो जलाया भी नहीं है। तो कामदेव अति प्रसन्न, श्री नारद जी अति प्रसन्न हो गए, बोले जलाया नहीं है इसका मतलब मैं सबसे बहुत ज्यादा आगे निकल गया हूँ। और जैसे बात नारद जी की प्रशंसा कामदेव कर जा रहा है, श्री नारद जी प्रसन्न हो जा रहे हैं। कामदेव से नारद जी ने फटकार लगाते हुए कहा कि मेरी एक बात सुनना, कि आपके उस देवराज इंद्र से जाकर के कह देना कि आज तुम्हारे जैसे स्वर्ग तो हमारे जैसे संतों के चरणों में यूं ही पड़े रहते हैं, इसलिए हम तुम्हारे स्वर्ग के लिए साधना नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात है कि आज के बाद में किसी भी संत की साधना में कभी बाधा ना पहुंचाए, विघ्न ना करें। और फिर कामदेव से कहा कि ऐसा है कि ये सब भी कह देना इंद्र से, और बाद में उसे कह देना ये जो मैंने तुम पर विजय पाई है ये कथा सब दूर तुम इसका प्रचार प्रसार करना, ऐसा नहीं हो कि मेरी कथा किसी को नहीं सुनाओ। कामदेव ने कहा मैं ये आपकी कथा सबको सुनाऊंगा, ठीक है। अब श्री नारद जी जब वापस साधना करने के लिए बैठे, कामदेव यहाँ से चला जाता है, और जैसे ही नारद जी वापस साधना में बैठे तो नारद जी का अब मन नहीं लगता है। मन ही मन में चिंतन करते कि ऐसे नाचे होंगी अप्सराएं, ऐसे ये करा होगा अप्सराओं ने, ऐसे ये करा होगा। अब साधना करने के लिए बैठते हैं लेकिन फिर भी अब साधना में मन नहीं लग रहा है। जब तक मन प्रभु का चिंतन करे तब तक साधना में लगे, और जैसे श्री भगवान में से मन हटे तो मन लगता नहीं है। और कथा वही अच्छी लगती है कहने में जब श्रोताओं का कैचिंग पावर बहुत मजबूत हो, तो नहीं तो इधर भी गाड़ी बिगड़ने लग जाती है और तुम लोगों का मन नहीं लगता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
शिव जी ने सोचा कि देव ऋषि नारद जी आए हैं, इसलिए श्री राम जी की कथा को सुनाएंगे। लेकिन आज नारद जी का मन श्री राम कथा में नहीं, आज काम कथा में है, इसीलिए नारद जी को आसन पधराया और नारद जी से कथा कहने के लिए कही। लेकिन श्री नारद जी का मन आज कथा में लग नहीं रहा है, बार बार इधर उधर शब्द जा रहे हैं। नारद जी सोच रहे हैं कि एक बार शिव जी मुझसे ये पूछ ले कि इतने दिन आप थे कहाँ, तो मैं अपनी सारी कथा व्यथा इनको सुनाऊं। परंतु शिव जी इनसे पूछ नहीं रहे हैं। बहुत देर तक श्री नारद जी सोच रहे हैं कि एक बार पूछ ले, एक बार पूछ ले। आखिर में भगवान शिव जी ने पूछ ही लिया कि देव ऋषि जी इतने दिन आप कहाँ थे और इतने दिन आप बहुत दिन से आए नहीं। तो श्री नारद जी ने मन में सोचा कि देखो काम की बात इस अब पूछी है, इतने पचने के बाद में अब पूछी है। श्री नारद जी ने कहा हाँ हाँ, हम भी हिमालय की तरफ साधना करने के लिए गए थे। फिर क्या हुआ? बोले वहाँ पर महाराज परम रमणीय स्थान है, आपको तो पता है। बोले हाँ। तो बोले मैं साधना करने के लिए गया था। हाँ फिर क्या हुआ? बोले साधना करते करते मेरी साधना इतनी कठोर हो गई थी कि उससे प्रभावित देवराज इंद्र हो गया और देवराज इंद्र ने तुरंत कामदेव को भेजा। फिर क्या हुआ? बोले कामदेव ने फिर मेरी साधना को भंग करने के बहुत से उपाय किए। फिर क्या हुआ? तो बोले उसने बहुत नाचा है, भोजन रखा, ये करा वो करा, लेकिन फिर भी मेरा मन तो आप में लगा हुआ था, भगवान में लगा हुआ था, इसीलिए कामदेव को मैंने हरा दिया है। बोले अच्छा। और धीरे से श्री नारद जी ने कहा कि कामदेव को मैंने हरा भी दिया और कामदेव को मैंने जलाया भी नहीं है। तो श्री महादेव जी जान गए कि ये ताना इन्होंने मुझे पर मारा है, क्योंकि कामदेव को जलाने वाले कौन है? भगवान श्री महादेव जी है। तो महादेव जी ने कहा कि ठीक है भैया, महाराज ऐसा है कि आप ब्रह्म ऋषि हो और ब्रह्म ऋषि जो है आपको काम का बाण कैसे लग सकता है, और हम गृहस्थी है, हमें तो काम का बाण लगेगा ही लगेगा। तो ना भगवान शिव जी ने भी प्रशंसा कर दी नारद जी की, और प्रशंसा करते हुए श्री नारद जी से कहा, भगवान शिव जी ने कहा कि आपने जो कथा मुझे सुनाई है ये सुनाना तो सही सद्गुरु और भगवान को भी जा करके, लेकिन अपनी शैली में परिवर्तन कर लेना, अपने भाव में परिवर्तन कर लेना। आप जिस भाव से बोल रहे हैं, जिस शैली से बोल रहे हैं, अपनी शैली में परिवर्तन कर लेना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कथा मत सुनाना, कथा जरूर सुनाना, लेकिन शैली में भाव में परिवर्तन कर लेना। तो नारद जी ने इस बात का उल्टा अर्थ लगाया कि मैं इनसे आगे निकल गया हूँ ना, तो इनको है ना जलन हो गई है, तो कोई बात नहीं, वैसे तो मैं दो चार दिन के बाद में जाकर के कथा सुनाता, पर आज तो अभी और इसी वक्त जाकर के मैं भगवान को कथा इसी भाव में सुनाऊंगा। अब श्री नारद जी पहुंचते हैं भगवान के पास में, और जैसे श्री प्रभु के पास में पहुंचे श्री नारद जी, तो भगवान ने खड़े होकर के नारद जी का सम्मान किया है। नारद जी का सम्मान करते हुए प्रभु ने कहा कि आइए देव ऋषि जी विराजिए। हर बार श्री भगवान श्री नारद जी का इतना ही सम्मान करते हैं, क्योंकि श्री नारद जी भगवान के लाडले भक्त हैं। हर बार श्री प्रभु कहते हैं कि आइए देव ऋषि जी विराजिए, आइए देव ऋषि जी विराजिए, लेकिन कभी भी श्री नारद जी ने मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया है। नियम है कि साधु संत भगवान कितना भी कहे कि हमारी बराबरी पर बैठ जाओ, लेकिन नियम है कि कभी भी उनकी बराबरी पर बैठना नहीं चाहिए। श्री नारद जी कभी भी नहीं बैठते हैं, लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ कि श्री नारद जी ने मर्यादा तोड़ी और श्री नारद जी कहाँ बैठे? जिस सिंहासन पर श्री भगवान बैठे हैं साइड में जगह थी। नारद जी ने मर्यादा नहीं तोड़ी है, श्री नारद जी के मन में जो अहंकार का बीजारोपण हो गया है वो अहंकार बुद्धि को नीचे गिराता जा रहा है। अहंकार से श्री नारद जी ने सोचा कि इसमें क्या है, भगवान को कहने में देर हुई लेकिन श्री नारद जी को बैठने में देर नहीं हुई। और कहाँ बैठे है? पास में नहीं बैठे है, बराबरी पे नहीं बैठे। जिस सिंहासन पर श्री भगवान बैठे हैं उस सिंहासन पर साइड में जगह है, वह साइड में श्री नारद जी बैठ जाते हैं, बिल्कुल भगवान की सीट पर ही बैठ जाते हैं, बराबरी पर। तो भगवान ने धीरे से देखा कि आज मामला गड़बड़ लग रहा है। प्रभु ने तुरंत पूछ लिया कि देव ऋषि जी इतने दिन कहाँ थे? तो श्री नारद जी ने कहा कि देखो एक वो भगवान शिव जी को देखो कि वो इधर उधर 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 गोल गोल बात घुमाते रहते हैं, पर काम की बात नहीं पूछी, और मेरे प्रभु ने कितनी जल्दी काम की बात पूछ ली है। अब श्री नारद जी ने पूरा भाषण दे दिया कि प्रभु मैं साधना करने गया था, काम ने ऐसे आक्रमण किया, फिर मैंने ऐसे उस पर विजय पाई। तो श्री भगवान मन ही मन में हंस रहे हैं कि अच्छा मेरे सामने होशियारी, अगर
मैं उस दिन आपके हृदय में नहीं रहता तो कामदेव आपको कहाँ पहुंचाता, ये तो कामदेव जाने और आप जाने। लेकिन ठीक है, प्रशंसा भी आप कर रहे हो तो अच्छी बात है। तो श्री भगवान ने और भी ज्यादा प्रशंसा कर दी। अब प्रशंसा और ज्यादा हो गई तो नारद जी और ज्यादा, जो अहंकार था वो और ज्यादा अंदर ही अंदर बढ़े जा रहा है। भगवान ने भी आशीर्वाद दे करके नारद जी को विदा किया। आप सोचो कि जब प्रशंसा खराब रहती है तो फिर क्या जरूरत थी भगवान को प्रशंसा करने की? भगवान क्या श्री नारद जी का पतन चाहते हैं? परंतु श्री भगवान पतन नहीं चाहते हैं। प्रभु का कहना है कि जिस तरह घास नीचे जमीन पर उगे तो उसे अगर जल्दी जल्दी उखाड़ने की कोशिश करेंगे और नीचे का तना जमीन पर ही रह गया और ऊपर जल्दी जल्दी उखाड़ लिए तो नीचे का जो तना रह गया है वो बारिश का पानी पाकर के पुनः प्रस्फुटित हो जाएगा, पुनः वो बड़ा हो जाएगा। प्रभु ने और ज्यादा प्रशंसा कर दी और ये प्रशंसा पा करके श्री नारद जी चले जाते। प्रभु का कहना है कि जो पेड़ धरती पर उग गया है, जड़ सहित अगर उसे पकड़ करके जब तक उखाड़ेंगे नहीं तब तक उसकी समाप्ति नहीं होती है। तो श्री प्रभु ने कहा कि आधी प्रशंसा तो शिव जी ने कर ही दी है और आधी प्रशंसा मैं कर दूं ताकि ये जो अहंकार का जो पेड़ है ये पूरी तरह से बढ़ जाए, फिर मैं जड़ सहित पकड़ करके इसको उखाड़ करके फेंक दूंगा। इसीलिए भगवान ने प्रशंसा कर दी है। अब श्री नारद जी तो और ज्यादा प्रसन्न होकर के यहाँ से आगे बढ़ जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। और उसी समय श्री भगवान ने शीलनिधि नाम के राज्य की स्थापना की है और उस राज्य में सुंदर सुंदर लोग वहां पर प्रभु ने भेज दिए हैं। साक्षात 16 वर्ष की कन्या अपनी माया को ही बना करके श्री भगवान ने भेज दिया है। और अब श्री नारद जी की दृष्टि पड़े कि ये राज्य तो मैं पहली बार देख रहा हूँ, पहले तो कभी नहीं देखा था, देखे नीचे जाता हूँ। तो श्री नारद जी ये सोच करके जैसे नीचे उतरे तो वहां पर वहां के जो द्वारपाल है उन लोगों ने श्री नारद जी का हाथ पकड़ा और अंदर लेकर के गए हैं। तो वहां पर राजा की कन्या का कल स्वयंवर होना है तो उस कन्या को लेकर के आए और तुरंत श्री नारद जी के पास में खड़ा कर दिया। बोले देव ऋषि जी आप तुरंत देखिए और हमारी कन्या के भाग्य में क्या क्या लिखा है आप भविष्यवाणी कीजिए। तो श्री नारद जी को कहा था कन्या का हाथ देखने के लिए, लेकिन श्री नारद जी क्या देख रहे हैं, कन्या का चेहरा दिखे जा रहा है, नजर चेहरे पर अटकी हुई है। अहंकार ने वहां पर कहा था कि आपने सबको जीत लिया है पर मैं अंदर बैठा हूं ना, तो जितने भी जीते हुए हैं ना इनको सबको मैं लेकर के आऊंगा। तो यहाँ पर काम का प्रवेश होता है। नारद जी से कहा कि कन्या का हाथ देखना है तो श्री नारद जी कन्या का चेहरा ही देख रहे हैं। तो राजा ने कहा ना चेहरा नहीं हाथ को देखिए, हाथ में क्या लिखा है। तो श्री नारद जी ने जैसे हाथ में देखा तो उसमें लिखा था कि जो 14 ब्रह्मांड का मालिक होगा, जो अजर अमर होगा, जिसे कभी कोई पराजित ना कर पाए वही इनका दूल्हा होगा। तो श्री नारद जी उल्टा पड़ रहे हैं कि इसका विवाह जिसके साथ में हो जाएगा, इसका वरण जो कर लेगा वो 14 ब्रह्मांड का मालिक बन जाएगा, उसे कभी कोई पराजित नहीं कर पाएगा, वो अजर अमर हो जाएगा। तो श्री नारद जी ने आनंद पानन में उल्टा सीधा बताया और तुरंत बुद्धि लगाए कि अब शादी करना है मने करना है। तो श्री नारद जी यहाँ से जाते हैं कि क्या करें, 6 महीना होता तो मैं जप कर लेता, इतने दिन होता तो मैं तप कर लेता, ये कर लेता, परंतु क्या करें अभी तक मुझे प्राप्ति नहीं हुई, कैसे क्या करें। तो उसी समय श्री नारद जी मन में सोच रहे कि 6 महीना होता तो जप कर लेता, तपस्या कर लेता, आराधना कर लेता, परंतु क्या करें कल ही स्वयंवर होना है, अब करें तो क्या करें। तो उसी समय श्री भगवान वहीं पर प्रकट हो जाते हैं और कहने लगे कि देव ऋषि नारद जी कहाँ जा रहे हो इतना जल्दी जल्दी। बोले प्रभु मैं आपके पास में आ रहा हूँ, क्या काम है। बोले मुझे आपसे कुछ मांगना है। तो आज भगवान इतने प्रसन्न हो गए कि आज देव ऋषि नारद जी मांगेंगे। ये संसार के लोग तो रोज ही भीख मांगा करते हैं और मैं दे दे करके थक जाता हूँ, पर आज मेरे संत मेरा लाडला भक्त मांगेगा, तो जो भी मांगेगा ना उसको मैं प्रसन्न होकर के दूंगा। क्या चाहिए, ज्ञान चाहिए, भक्ति चाहिए, वैराग्य चाहिए, जप चाहिए, तप चाहिए। तो तुरंत श्री नारद जी का ना 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 बस 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 आप बंद हो गए तब तो मैं मांगूंगा। तो भगवान ने कहा कि ठीक है अब तुम अपने मन से मांगो कि क्या चाहिए। तो श्री नारद जी ने कहा कि भक्ति भी बहुत कर ली है, जब भी बहुत कर लिया है, तब भी बहुत कर लिया, सब बहुत कर लिया है, मैं अब है ना शादी करना चाहता हूँ। तो श्री भगवान ने कहा कि अच्छा। बोले हाँ तो शादी भी की भी मेरी तैयारी हो ही गई है, कन्या को भी मैं पसंद करके आ गया हूँ, बस है ना। तो समस्या कहाँ आ रही है,
बोले समस्या इतनी आ रही है कि रूप की समस्या आ रही है। वो कन्या इतनी ज्यादा सुंदर है, इतनी ज्यादा सुंदर है कि उसके लिए तो आपके जैसा स्वरूप चाहिए तो ही वो उस गले में हार डाल सकती है। तो मुझे आपका स्वरूप चाहिए प्रभु। बोले फिर क्या करोगे? बोले थोड़ी देर के लिए आपका स्वरूप प्रदान कर दीजिए, एक बार वो गले में माला डाल दे, उसके बाद तो फिर कोई भाग करके जाएगी नहीं, शादी तो हो ही जाएगी ना। अब प्रभु श्री नारद जी की बात को सुन करके खिल खिला करके हंसते हैं, इतना हंस रहे भगवान के आज शुद्ध बुद्ध भूल गए हैं। तो श्री नारद जी के सामने भगवान हंस रहे हैं, तो दूर खड़ी भक्ति महारानी ने सोचा कि मांगने वाले भी उल्टी डिमांड कर रहे हैं और देने वाला भी आज सीरियस है नहीं, हंसे जा रहा है। तो हंसते हंसते अगर गलती से भी श्री प्रभु के मुख से निकल गया कि नारद तथा अस्तु, तो समझो नारद जी की पूरी गाड़ी जो है वो पानी में चली जाएगी, क्योंकि भगवान के मुख से निकली हुई वाणी कोई असत्य थोड़ी रहती। वो तो हंसी में कह दे तो भी सत्य है, गुस्से में कह दे तो भी सत्य है, प्रसन्न हर समय सत्य। तो भक्ति महारानी ने सोचा कि जो मांग रहे हैं ये बिल्कुल उल्टा मांग रहे हैं और देने वाला उनको शुद्ध नहीं है। तो भक्ति महारानी पास में आई और इनकी जीवा पर जो माया, उससे कहा कि देवी केवल एक क्षण के लिए मुझे तुम्हारी इस नारद जी की जीवा पर बैठ जाने दो। तो माया ने कहा जीवन भर तुम्हारा ही पसारा था, मैं नहीं हटने वाली हूँ। बोले केवल एक क्षण के लिए हट जाओ। तो माया ने सोचा एक क्षण में कर भी क्या पाएगी, बोले ठीक है। तो भक्ति महारानी पास में आई, नारद जी ने कहा मुझे सुंदर बना दो, सुंदर बना दो। तो भक्ति महारानी ने पीछे से बुलवा दी प्रार्थना, जे ही विधि नाते हो करना है, ऐसा आपको काम करना है। तो सुनते ही भगवान एकदम सावधान हो जाते हैं कि नारद ने मांगी तो सुंदरता है लेकिन मेरे ऊपर जवाबदारी डाली है कि आपको करना वही है जिसमें मेरा हित हो। तब श्री प्रभु ने कहा कि नारद ये हित तो संसार के लोग कर लेते हैं, मैं हित नहीं करता हूँ, मैं तो परम हित करता हूँ। तो तुम हित की बात कर रहे हो ना, मैं तुम्हारा परम हित करूंगा। श्री प्रभु गूढ़ रहस्य भरी बात बोल रहे कि नारद में परम हित करूंगा, लेकिन श्री नारद जी ने ये बात को सुना नहीं है। क्यों? क्योंकि नारद जी वहां थे ही नहीं। श्री नारद जी कहाँ थे? अहंकार में बैठे हुए थे श्री नारद जी। तो गूढ़ रहस्य प्रभु ने बोला तो नारद जी थे ही नहीं, तो सुनेगा कहां से? तो नारद जी ने नहीं सुना, बोला हाँ ठीक है पर आप तो मुझे सुंदर बना दो। तो प्रभु ने कहा कि बात कर रहे हो सुंदरता की लेकिन हित की बात पीछे जोड़िए, तो हित तो आपका सुंदरता में नहीं है, बंदरता में आपका परम हित है, इसलिए मैं आपको सुंदर नहीं आपको बंदर बनाऊंगा। तो श्री नारद जी का जो चेहरा है, तीन स्वरूप दिए हैं नारद जी को प्रभु ने, तो चेहरा चेहरा तो श्री नारद जी का प्रभु ने बंदर बना दिया, बाकी का जो शरीर है वो भगवान ने अपना स्वरूप प्रदान किया है। स्वरूप जब प्रदान कर रहे थे तो प्रभु ने श्री नारद जी से कहा भी कि श्री नारद जी मेरा स्वरूप अगर आपको दे भी
दूंगा तो भी कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा जो स्वरूप है इसको देखने का अधिकार केवल मेरे भक्त को ही होता है। आप भले मेरे स्वरूप को लेकर के घूमोगे संसार भर में तो भी संसार के लोग इस रूप को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि मेरी इस माया रूपी आंखों से भगवान का स्वरूप नहीं दिखाई देता है। इन आंखों को दिव्य होना पड़ता है। तो श्री नारद जी से प्रभु ने मन ही मन में कहा कि स्वरूप दे भी दूंगा तो कौन काम का, क्योंकि दिखेगा तो केवल आपको ही। तो भगवान ने बाकी का शरीर नारायण स्वरूप दे दिया है। दो स्वरूप हो गए, चेहरा बंदर का, शरीर पूरा नारायण का, और तीसरा जो स्वरूप है नारद जी का, भगवान ने जगह साई नहीं करवाई है। श्री नारद जी जो ऋषि है तो ऋषि के रूप में ही लोगों को नारद जी दिखाई दे रहे हैं। बाकी लोग जो भी देख रहे हैं प्रणाम करें, प्रणाम देव ऋषि जी, प्रणाम देव ऋषि जी। जो स्वरूप है वही स्वरूप प्रभु नारद जी का दिखाई दिया है। तो इस तरह तीन स्वरूप प्रदान कर रहे हैं। अब आपस में मीटिंग जब चल रही थी प्रभु और श्री नारद जी की, तो शिव जी के गण और वो कन्या ही इनके वानरी स्वरूप को देखती है, बाकी किसी ने नहीं देखा है। तो शिव जी के गण शिव जी के पास में गए और कहने लगे कि प्रभु भोले बाबा ऐसी कृपा करो कि नारद जी का जो वानरी स्वरूप है ना हम भी देखें। तो भोले बाबा उनका ऐसा है कि केंद्र का सीक्रेट मामला है और इसमें बीच में टांग नहीं अड़ाना चाहिए। तो भोले बाबा से गणों ने कहा कि हम भी तो संवाददाता है, केंद्र में कुछ भी सीक्रेट हो तो हमें तो पता होना चाहिए, तभी तो हम प्रचार करेंगे। तो नहीं, हमें आप ऐसी कृपा करो। बोले बाबा का देखो है ना गड़बड़ हो सकती है तो फिर मेरे पास में नहीं आना। बोले हाँ हो जाएगी हो जाएगी, जब पत्रकार बने ही है तो खतरे से क्यों डरे, इसीलिए आप तो कृपा करें। बोले देखो तुम भी लपड़ में फंस सकते हो। बोले हाँ लपड़ा तपड़ा होगा तो तब देखा जाएगा, पर आप तो हम पर कृपा करो। तो शिव जी का अच्छा ठीक है, मैं आशीर्वाद देता हूँ कि तुम भी वो स्वरूप देख पाओगे, लेकिन याद रखना कि कुछ भी गड़बड़ हो तो मेरे पास मत आना। और सुनो, जब जा ही रहे हो संवाददाता बन करके तो जो जो भी वहाँ हो वो न्यूज मुझे भी जरा पहुंचाते रहना। गणों ने कहा कि हाँ ठीक है पहुंचाते रहेंगे। अब श्री नारद जी सभा में आए, सारी सभा लगी हुई थी। अब सोचो कि अगर वानर दिखाई पड़ते लोगों को तो उन्हें अंदर घुसने कौन देता, पर लोग आदर से ही कहने लगे आइए देव ऋषि जी विराजे। पहले सिंहासन पर श्री नारद जी को बैठाया है, नारद जी बैठ गए हैं और उसी समय जो गण थे वो आपस में घुसर घुसर कर रहे थे। ओहो कितनी सुंदरता, इनको गजब का सुंदर भगवान ने बनाया है। तब नारद जी ने धीरे धीरे सुना कि प्रशंसा मेरी हो रही है। बोले भैया जरा जोर से बताओ तो क्या कह रहे हो। बोले नहीं नहीं हम तो हमारी बात करें। बोले नहीं नहीं बताओ तो सही क्या होगा। बोले नहीं नहीं हम तो हमारी बात करें। बोले नहीं नहीं बताओ तो सही कि क्या कैसा है वो मैं। गणों का महाराज आपको देख करके ऐसा लग रहा है कि विधाता ने बहुत फुर्सत में आपको बनाया है, गजब के आप सुंदर लग रहे हो, बहुत सुंदर लग रहे हो। बोले सच में सुंदर लग रहा हूँ। बोले हाँ सच में लग रहा हूँ। बोले हाँ, तो बोले तब कहो ये सुंदरता कोनो एरी गेरी जगह से थोड़ी मिली है, इस सुंदरता को देने वाला कितना सुंदर है। तो गणों ने कहा कि हाँ महाराज हम भी तो वही कह रहे कि कितना सुंदर है, कितनी सुंदरता आपको दी है। अब श्री नारद जी प्रथम सीट पर बैठे कन्या हार लेकर के आई, तो जैसे हार कन्या ने देखा कि वानर को पहली सीट पर बैठा दिया, कितने खराब है मेरे पिताजी के द्वारपाल, इसको भगाते क्यों नहीं पकड़ करके। अब भगाए कहां से बेचारे, उनको देखे तब ना भगाए, बाकी तो सारे लोगों को संत ही लग रहे हैं। कन्या को गुस्सा आया, उसने आगे बढ़ गई। वो जब आगे बढ़ी तो नारद जी ने कहा तो आगे चली गई। गणों का नना चिंता मत करो ये आपके पास में आएगी। बोले कब आएगी। बोले पूरी सभा में चेक करने के लिए जा रही है कि कोई पीछे तो नहीं बैठा इनसे भी ज्यादा कोई सुंदर, तो चेक करने के लिए जा रही है। पर हमें पता है कि पूरी सभा हमने देखी है, आपके बराबर कोई सुंदर या है ये नहीं है, तो चिंता मत करो आपके गले में ये हार पहनाएगी। तो चेक करने के लिए गई है तो श्री नारद जी बैठे। अब नारद जी को चैन नहीं पड़ रहा, बार बार बीच में नारद जी प्रकट हो रहे हैं और ये कन्या आगे जा रही। इसको गुस्सा आया, वो लाइन ही छोड़ दी। जिस लाइन में संत बैठते हैं उस लाइन को साधु जो माया है वो छोड़ देती है। अब इसने लाइन को छोड़ दिया, आगे पहुंची तो श्री भगवान प्रकट हो गए। श्री कन्या ने गले में माला को पहनाई और भगवान यहाँ से अदृश्य हो गए हैं।